माय एंजल हेल्थ केयर यूट्यूब चैनल रे आपनको स्वागत। आज वीडियो रे थंडा खासर घर उपचार विषय कहा जाइछि। पांचटी एपरी घर उपचार जहार व्यवहार रे थंडा एवं खास को ठीक करिहबो। आपण किंबा आपनको रिलेटिव रे एही परी थंडा खास आस्थमा इसोनोफिलिया एवं बारंबार जदि छिंक रे पीड़ित अछंती ता सह एही रोग बहुत पुराणा हो सारानी जहाँ करने सत्वे कमुना तेज स्क्रीन रे दिया जाइथिबा नंबर रे निश्चय कॉल करंतु। 100% इज ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक मेडिसिन सह 100% इज स्योर शॉट रिजल्ट। सबुबेले घर उपचार व्यवहार करने पूर्व ठीक भाव बुझंतु तापर ताकू व्यवहार करंतु। सेथिपई आजर एही वीडियो को संपूर्ण देखंतु। वीडियो आरंभ करने पूर्व जदि आपण सब्सक्राइब करना तेबे माय एंजेल हेल्थ केयर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब निश्चय करंतु। बेल बटन को मध्य ऑन करंतु जेउद्वारा आपण हेल्थ आयुर्वेदा होम रेमेडीज रिलेटेड रिसर्च बेस्ड वीडियो ओडिया लैंग्वेज रे आपण यूट्यूब रे देखि पारिबे। वर्तमान जानिबा थंडा एवं खासर सही पांचटी इफेक्टिव होम रेमेडी ता सह होम रेमेडी रे जेउ हर्ब बा स्पाइसेस रो व्यवहार होची ताहर कौन गुण रही केते इफेक्टिव आम शरीर पाई ताहा मध्य क्लियरली जानिबा। नंबर वन एही होम रेमेडी रे लेंबू दालचीनी एवं महुर आवश्यक अटे। तो एही तीनोटी इनग्रीडियंट्स रे एपरी कौन अच्छे जहाँकि थंडा एवं खास को ठीक करि परिबो। लेंबू रे विटामिन सी ओ आंटीऑक्सीडेंट रहिबा सह आंटीबैक्टीरियल आंटीवायरल रो गुण मध्य रहिछि। दालचीनी रे आंटीऑक्सीडेंट पॉलीफिनोल्स भरपूर अछि ता सह एहा आंटीबैक्टीरियल आंटीवायरल एनाल्जेसिक एवं आंटीइन्फ्लेमेटरी गुण भरपूर अवस्था रहिछि। एवं महुरे आंटीमाइक्रोबियल एवं आंटीवाइटल प्रॉपर्टीज रहिछि। सेथिपई एही तीनोटी रो मिक्सचर रे आमे थंडा एवं खासपरी रोग को ठीक करि परिबा एही घरोई उपचार माध्यम रे। वर्तमान जानिबा एहा को तियारी किपरि करिबा। प्रथमे दालचीनी को भल भाबे गुंड करि दियंतु जेउ द्वारा ताहा आराम रे मिसि परिबो। एक चम्मच लेंबू रस ता सह एक चम्मच दालचीनी गुंड एवं सेथिरे एक चम्मच महु को भल भाबे मिक्स करंतु। एही तीनोटी इनग्रीडियंट्स को भल भाबे मिक्स करंतु। आवश्यक अनुजाई महुर मात्रा आपण अधिक करि परिबे बा कमै परिबे। तो एहार मिक्सचर रे एहा एक प्रकार सिरप बा पेस्ट टाइप रो होई जिवो। एही प्रिपरेशन को दिनकु 2-3 थर गरम पानी सह व्यवहार करंतु। एहा थंडा एवं खासरु आराम देथाय ता सह इम्युनिटी सिस्टम को मध्य स्ट्रांग करिथाय। नंबर टू एही होम रेमेडी रे खीरो ओ हलदीर आवश्यक। इट इज वन ऑफ टाइम टेस्टेड रेमेडी। बहुत पुराणा कालरु खीरो एवं हलदीर मिक्सचर को व्यवहार करी आसुची आमर एही मनुष्य समाज। खीरो रे कैल्शियम ओ अन्य बहुत मिनरल्स रहिची किंतु एथिरे स्पेशियली आंटीबैक्टीरियल रो इफेक्ट रहिची। हलदी रे आंटीवायरल आंटी इनफ्लेमेटरी एवं आंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रहिची जहार व्यवहार रे इम्युनिटी सिस्टम स्ट्रांग हेबारे हलदी बहुत सहाय्य करिथाय। तेबे आकु तियारी किपरि करिबा। एक ग्लास गरम खीर सह एक चामच हलदी को भल भाव मिक्स कर दिंतु। शोवा पूर्व यह व्यवहार करंतु। एहा थंडा एवं खासरु आराम देवा सह अन्य बहुत गुड़िया रोग को ठीक करिवारे सहाय्य करिथाय। स्पेशियली एहा उपरे आउ एक वीडियो क्लियरली कुहा जिवो जे एही गोल्डन मिल्क कौन कौन शरीर पर सहाय्य करिथाय रोग को ठीक करिपारे। एही खीरमिशा हलदी को सखाळु मध्य व्यवहार करिपारिबे किंतु एहा व्यवहार करिबा परे 30 मिनट पर्यंत किछि खाइबे नाही। एही होम रेमेडी प्राय समस्ते व्यवहार करथंती तबे जेउ माने एही होम रेमेडी को पर्टिकुलरली एही गोल्डन मिल्क बा खीरो एवं हलदीर मिक्सचर को व्यवहार करिसंती से माने निश्चय
वीडियो को लाइक करूँ एवं कमेंट बॉक्स रे निश्चय कमेंट दिंतु यार व्यवहार में आपन को कौन फायदा मिली। नंबर 3, एही होम रिमेडी रे रसुण आवश्यक। रसुण रे एलिसिन नामक एक कंपाउंड रही जहाँ आंटीबैक्टीरियल एवं आंटीफंगल गुण से भरपूर। तासह रसुण शरीर अन्य रोग को ठीक करिबारे मध्य सहाय्य करिथाय। तबे चालंतु जानिबा थंडा खासरे एहार व्यवहार किपरि करिवे। रसुण को छोटो छोटो पीस करी काटि दियंतु, तापरे एक चम्मच घियो को गरम करंतु ओ सेथिरे कटा होइथिबा रसुण को भलभावे मिक्स करि दियंतु। 5-7 मिनट भलभावे भाजंतु बा ताकु मिक्स करंतु गरम रे। देखिबे रसुण रो कलर हल्का चेंज होई आसिबो। एही प्रिपेरेशन को भातरे मिसाई मध्य खाई परिवे किंबा डायरेक्ट खाई परिवे। खाइबा परे उष्म पानी पियंतु। एहर टेस्ट पाटी को भलो न लागि पारे किंतु थंडा खासरु ठीक करि पारे एहा बहुत सहाय्य करे। नंबर 4, एही होम रिमेडी रे गुड़ गोलमरीच जीरा आवश्यक। गुड़ रे प्रचुर परिमाण रो विटामिन एवं मिनरल्स रहितिबा हेतु इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करिबा सह शरीर रो टेम्परेचर बैलेंस करिथाय बा बॉडी टेम्परेचर बैलेंस करिबारे गुड़ सहाय्य करिथाय। गोलमरीच रे एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रहिछि, ता सह विटामिन सी रहितिबा हेतु वायरल इन्फेक्शन को ठीक करिबारे सहाय्य करिथाय एवं जीरा रे एंटीबैक्टीरियल एवं आंटी इनफ्लेमेटरी आंटीसेप्टिक एहिपरि गुण भरपूर अवस्था रही। किपरि भावरे काढ़ा फॉर्म रे बनाइबे बा एही तीनोटी इंग्रेडिएंट्स को किपरि भावरे ठंडा एवं खास रोग रे व्यवहार करिवे। एक ग्लास पानी गरम होउथिबा समय रे सेथिरे एक चम्मच जीरा गुंड एवं 1/4 स्पून गोलमरीच गुंड, गोलमरीच को गुंड करदेवे एवं तार गोटे चामच रो 1/4 व्यवहार करिवे। एहाकु मिसाई दियंतु से पानी रे एवं किछ समय पर्यंत बॉईल करंतु बा गरम करंतु। 2-3 मिनट एहा बॉईल हबा परे सेथिरे एक चामच गुड़ को भलो भाबे मिक्स करंतु। भलो भाबरे एहाकु स्टीर करंतु। जेउ समय रे पानी सिजी सिजी अधा होइ जिवो ताकु किछ समय हल्का ठंडा हबा को छाड़ दियंतु। एही होम रिमेडी थंडा खास को ठीक करिबा सह सोर थ्रोट चेस्ट कंजेक्शन को मध्य ठीक करिबारे सहाय्य करिथाय। नंबर 5, एही होम रिमेडी रे अदा तुलसी एवं महुर आवश्यक। अदा रे आंटी इनफ्लेमेटरी एवं आंटी ऑक्सीडेंट गुण भरपूर अवस्था रे अछि जहाकी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करिबारे सहाय्य करिथाय एवं तुलसी रे आंटी माइक्रोबियल आंटी इनफ्लेमेटरी आंटी टिश्यू एवं आंटी एलर्जिक प्रॉपर्टीज भरपूर अवस्था रही। तुलसी प्रत्येक रोग रे मध्य व्यवहार करिहेबो एवं तुलसी को मध्य आमर भारत वर्षर प्रत्येक जगह पूजा भी करती। यह औषधीय गछ सह एक पूजनीय गछ मध्य। ता सहित एथिरे महुर कौन काम, महु आंटी माइक्रोबियल एवं आंटी वायरल प्रॉपर्टीज सह एथिरे आंटी बैक्टीरियल लो गुण मध्य रहिछि। एही होम रिमेडी रो तयारी करिवार प्रोसीजर को भलो भाबे देखंतु। प्रथमे अदा को भलो भाबरे छेची बा ग्राइंडिंग करी तार रस बाहर करि दियंतु। सेथिरे तुलसी पत्र को गुंड करी भलो भाबरे मिसंतु एवं सेथिरे एक चम्मच महु मिसंतु। एही तीनोटी को भलो भाबे पेस्ट करंतु। दिन को 2-3 थर व्यवहार करंतु। महुर मात्रा आवश्यक अनुजाई आपण कम बा अधिक करि परिबे। एही होम रिमेडी थंडा खास को ठीक करिवारे अत्यंत सहाय्य करी। ता सहित बारंबार छींक एवं तंटी जंत्रणा रे मध्य एही होम रिमेडी बहुत सहाय्य करिथाय। तो देखिले किपरि घरोई उपचार द्वारा थंडा खास को ठीक करि हेबो। एथि भितरु केउ होम रिमेडी आपण आघुरु व्यवहार करिसंती कमेंट बॉक्स रे निश्चय जणाइबे। ता सह केउ होम रिमेडी आपण को बहुत भल लागिला ताहा भी कमेंट बॉक्स रे निश्चय कमेंट करिवे।
ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆମର ପ୍ରୟାସ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ବଞ୍ଚିବା ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ୱାରା ସୁସ୍ଥ ରହିବା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୋସିଆଲ ସାଇଟ୍ସରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ନମସ୍କାର।